कानपुर प्राणी उद्यान में एक बार फिर से लोग जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। जी हाँ, यह जंगल सफारी कई दिनों से बंद थी। वजह यह थी कि कहा जा रहा था कि यहाँ कई जंगली जानवर आए दिन बाहर निकल आते थे, इस वजह से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कड़ी निगरानी के बीच इसको एक बार फिर से खोला गया है। जो दर्शक अब चिड़ियाघर घूमने आएंगे वह इस जंगल सफारी में जंगल का भी मजा ले सकेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर कानपुर प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सक पद के हूँ। डायरेक्टर महोदय ने इसका सफारी पार्क जो खोला गया है इसका उद्घाटन किया, और ये 32 हेक्टेयर में फैला हुआ अनटच्ड फॉरेस्ट है, जिसमें डिफरेंट प्रजाति जो कि रेप्टाइल्स खास करके जिसमें टर्टल हैं और स्नेक्स हैं, जिसमें पाइथन, सैंड बोआ और कोबराज हैं, जो कि अभी हाइबरनेशन में लेकिन बासिंग करते आपको यदा कदा देख सकते हैं। उसके साथ ही जो झील का एरिया 18 हेक्टेयर में हमारी टेक्सो लेक है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड इसमें प्रजनन करने के लिए यहाँ आई हुई है। उसमें मेनली पक्षी जो है रेंटल स्टॉर्क, कार्मोरेंट, डार्टर, नाइट हेरोन, ग्रे हेरोन, इग्रेट्स ये आप देख सकते हैं। मछलियाँ जो कि झील में है उसमें आप तैरती हुई मछलियाँ जो शिकार करते हैं उसका आनंद ले सकते हैं, कैसे जो है अपने घोंसले में बच्चों को खिला रहे हैं इसका आनंद ले सकते हैं। बर्ड वॉच सेंटर बनाए गए हैं, उसके ऊपर खड़े होकर के आप तस्वीर ले सकते हैं बर्ड्स की। और नेचर जो ट्रेल है, नेचर ट्रैक है जो बनाया गया है, उसमें चारों तरफ से वृक्षों के बीच से होते हुए जंगल का लुत्फ लेते हुए उसमें आप पैदल चलेंगे, और 10 की तादाद में ग्रुप होने पर उसमें एक गाइड के साथ इसका भ्रमण करके इसका आनंद कर ले सकते हैं आप लोग। तो इसलिए कानपुर प्राणी उद्यान में ये जो सफारी पार्क का उद्घाटन हमारे डायरेक्टर महोदय ने किया है, ये सराहनीय कार्य है। और इसको अगर कानपुर प्राणी उद्यान आप घूमने आते हैं तो इस पर सफारी में आप जाएं, घूमें।